हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का 13 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, द लिटिल रेड हैंड, छोटी सी लाल मुर्गी के बारे में। चलिए इसके वार्मर को पढ़ते हैं। वार्मर में पूछा गया है, हैव यू एवर सीन योर मदर मेकिंग चपातीस, क्या आपने कभी अपनी माँ को रोटी पकाते हुए देखा है। हैव यू एवर हेल्प्ड हर, क्या आपने कभी उसकी मदद की। व्हाट स्टेप्स डज शी टेक टू मेक देम, रोटी बनाने के लिए वे क्या क्या स्टेप लेते थे उसे बताइए। चलिए आप चैप्टर में पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, द लिटिल रेड हैन वॉज स्क्रैचिंग इन द फार्म यार्ड व्हेन शी फाउंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट। एक दिन एक छोटी सी लाल मुर्गी अपने फार्म यार्ड में टहल रही थी और स्क्रैचिंग कर रही थी, और तभी उसे एक गेहूं की दाना मिला। हु विल प्लांट द व्हीट, शी सेड, और वह कहने लगी उस दाने को लेकर कि इसे कौन बोएगा। नोट आई सेड द डक, तो बत्तख ने जवाब दिया कि मैं नहीं बोऊंगा। नोट आई सेड द कैट, बिल्ली भी बोली मैं भी नहीं इसे लगाऊंगा। नोट आई सेड द डॉग, तो कुत्ते ने भी जवाब दिया कि मैं भी इसे नहीं रोपूंगा। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल, सो शी प्लांटेड, तब वह लाल मुर्गी कहने लगी चलो चलो ठीक है, कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं बोएगा, तो मैं ही इसे बोऊंगा, और वह उसे बोई। अब द ग्रेन ऑफ व्हीट, उस गेहूं के दाने को वह बोई। फिर आगे है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द व्हीट ग्रू टॉल एंड राइप, कुछ समय के बाद वह जो गेहूं था वह बड़ा हुआ और पक गया। हु विल कट द व्हीट, सेड सी, तब वह मुर्गी पूछने लगी कि गेहूं कौन काटने जाएगा। नोट आई सेड द डक, तो बत्तख ने जवाब दिया मैं नहीं जाऊंगा। नोट आई सेड द कैट, तो बिल्ली ने जवाब दिया मैं भी नहीं जाऊंगी। नोट आई सेड द डॉग, तो कुत्ते ने जवाब दिया मैं भी नहीं जाऊंगा। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन, सो शी कट द व्हीट, तब वह लाल मुर्गी जवाब दी अच्छा चलो कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, और वह लाल मुर्गी उस गेहूँ को काट ली। नाउ सी सेड, अब वह लाल मुर्गी कहती है हु विल थ्रेस द व्हीट, इस गेहूँ को कौन थ्रेसिंग करवाएगा। नोट आई सेड द डक, बत्तख ने कहा मैं नहीं कराऊंगा। नोट आई सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं भी नहीं कराऊंगा। नोट आई सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं भी नहीं कराऊंगा। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन, तब वह लाल मुर्गी कहने लगी चलो कोई नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। सो शी थ्रेस्ड द व्हीट, और उसने उस गेहूँ को थ्रेसिंग मशीन में देके उसे अलग करवाया, अनाज अलग हो गया, भूसा अलग हो गया। व्हेन द व्हीट वाज थ्रेस्ड शी सेड, जब वह व्हीट थ्रेस्ड हो गया था तब वह कहने लगी हु विल टेक द व्हीट टू द मिल टू हैव इट ग्राउंड इनटू फ्लावर, तो वह लाल मुर्गी कहने लगी अब इसे मिल तक कौन ले जाएगा, पिसा कर कौन लाएगा, इसे आटा इसका कौन बनवाएगा। तब यहाँ देखिए, नोट आई सेड द डक, बत्तख ने जवाब दिया मैं नहीं करूँगा। नोट आई सेड द कैट, बिल्ली ने जवाब दिया मैं भी नहीं करूँगी। नोट आई सेड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया मैं भी नहीं करूँगा। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन, सो शी टुक द व्हीट ऑफ द मिल टू द मिल, तब वह मुर्गी जवाब दी कि चलिए कोई नहीं कराइएगा तो हम करा लेते हैं, और वह लाल मुर्गी, छोटी सी लाल मुर्गी उसे मिल तक लेके गई और उसे पिसाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, तो वह लाल मुर्गी, छोटी सी लाल मुर्गी कहने लगी ओ नो यू वोंट, तुम नहीं ले सकते हो इसे, इस आटे को नहीं ले सकते हो। आई विल एंड सी कॉल्ड हर चिक्स एंड शेयर द ब्रेड विथ देम, वह अपनी चिक्स, अपनी बच्ची को बुलाई और उसके साथ उस रोटी को शेयर की, उन सभी कुत्ते, बिल्ली और बत्तखों को नहीं शेयर की। यही हो जाता है चैप्टर समाप्त।